श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब में ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, हम चाहते हैं, हमारे पास दो अभी स्लाइड्स हैं और एक ब्लैंक स्लाइड हमने लिया है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि किसी इस ऑब्जेक्ट में रहकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? आप एक्सेल में काम करते हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है, आप पेंटिंग में बनाते हैं काम करते हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है, पावर पॉइंट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हम इस ऑब्जेक्ट में रहकर, यानी हम पावर पॉइंट के ऑब्जेक्ट में रहकर, सपोज हम पेंटिंग का ऑब्जेक्ट खोलना चाहते हैं और उसमें वर्किंग करके अपने पावर पॉइंट में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप पेंटिंग खोलना चाहते हैं तो आप बिटमैप इमेज पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, ये होता है डिस्प्ले एज आइकन। अगर आप देखना चाहते हैं, इसका आइकन में लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अगर आइकन नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट आपको जो भी वर्क करेंगे उसको इंसर्ट करना है, तो यहाँ से क्लिक हटा देंगे। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, वो वर्किंग जो है पहले आइकन में आएगा, हमें आइकन पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो जो भी हमने वर्क किया होगा वो ओपन होगा। अदरवाइज अगर आप टिक हटा देंगे तो जैसे ही आप जो भी वर्क करेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं, बिट मैप इमेज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेंटिंग ओपन हो गया है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और फ्रेंड्स, इसमें जो भी वर्क करना है आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हम इसमें कुछ वर्किंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, वर्किंग करने के बाद इसमें यहाँ से कलर भी फिल कर देते हैं। तो हमने कलर फिल कर दिया है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज बटन आ रहा है, आपको क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे जो भी हमने वर्क किया था वो हमारे प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है उसमें आ गया है। इसी तरह से हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगेन ऑब्जेक्ट में जाते हैं, बिटमैप इमेज पे क्लिक करते हैं। इस बार हम डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप ये आइकन आ रहा है, इसमें आइकन चेंज भी हो सकता है। आप यहाँ से जाके इसमें जैसा भी आइकन आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो हम जो है अभी यही वाला आइकन रहने देते हैं और इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इसमें कुछ वर्किंग किया और फिर हम इसमें कुछ कलर कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे इस बार क्या हुआ है, इस बार आइकन आया है, यानी जो हमने वर्क किया था वो ना आके एक आइकन आया है। अब इस आइकन पे आप डबल क्लिक करेंगे तब वो वर्क जो भी आपने किया है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप आइकन का यूज भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे फ्रेंड्स, इसके बाद है क्रिएट फॉर्म फाइल। क्रिएट फॉर्म फाइल पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये होता है जैसे कि आपने कोई एक्सेल में काम किया हुआ है उसका आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, या आपने वर्ड में काम कर रखा है उसके टेक्स्ट को अपनी स्लाइड में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्रिएट फॉर्म फाइल का यूज करते हैं। तो इसमें हम ब्राउज कर लेते हैं, हमने एक डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाई हुई है तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट नाम की फाइल है वर्ड में, देखिए ये बनी हुई है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। फ्रेंड, इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है लिंक, एक आता है डिस्प्ले एज आइकन। तो डिस्प्ले एज आइकन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, चलो यहाँ पे भी क्लिक कर देते हैं बिकॉज वो आइकन में आएगा। दूसरा होता है लिंक। तो लिंक पे क्लिक करने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो फाइल हमने अभी इंसर्ट करी है यहाँ पे, और जब आप प्रेजेंटेशन में अपनी शो करेंगे और उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो जो हमारी डेस्कटॉप पे फाइल है यानी सोर्स फाइल में भी चेंजेस होंगे। अगर आप अपनी इस फाइल में जो आप लिंक कर रहे हैं पावर पॉइंट में, अगर उसमें चेंजेस करेंगे उसके टेक्स्ट में, तो वो क्या होगा, उस फाइल का जो मेन सोर्स फाइल है डेस्कटॉप पे उसमें भी चेंजेस होगा। तो हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो मेन डेस्कटॉप पे फाइल है उसमें चेंजेस ना हो तो इससे टिक हटा देंगे, तो हम टिक लगा देते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसका आइकन आ चुका है हमारे वर्ड का और वो जो फाइल है डेस्कटॉप पे वो इससे लिंक हो चुकी है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो फाइल खुल जाएगी। फ्रेंड, उसमें अभी इतना ही है लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकल। अब देखिए हम इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, इन पावर
फाइन, ठीक है। इसमें जोड़ने के बाद हमने इसको सेव किया और क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने चेंजेस किए हैं वो डेस्कटॉप पे भी चेंज हो गया होगा, इसे मिनिमाइज करके देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे ऑब्जेक्ट नाम की फाइल है। अब देखिए हमने पावरपॉइंट में चेंज किया था तो इसमें भी चेंज हो गया है, यानी हमारे जो डेस्कटॉप पे फाइल है उसमें भी चेंजेस हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम वीडियो लेके देखते हैं, हमने इसको डिलीट किया। अब ऑब्जेक्ट में जाते हैं, हम कोई वीडियो लेना चाहते हैं तो क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज में जाएंगे और आपका वीडियो जहां पे भी होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम एक ऑफिशियल वीडियो ले लेते हैं, हम ये वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप इसको आइकन में चाहते हैं तो डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक कर देंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे ये आइकन आ चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका वीडियो ओपन हो गया है जो भी हमने लिंक किया था। तो प्रेजेंटेशन के टाइम आप ये इस तरह से भी इसमें लिंक कर सकते हैं अपने वीडियो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये होता है टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर और इंसर्ट टैब के अंदर। तो आशा है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज किस तरह और क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।